आपको बड़ी खबर बता देते हैं, पानी के विवाद को लेकर तीन लोगों को मारी गोली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला समेत दो की मौत और एक की हालत गंभीर। आपको बता दें तनावपूर्ण स्थिति, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और नई बस्ती के दादरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो साफ तौर पर पानी को लेकर मामूली सी बात को लेकर तीन लोगों में गोली मार दी, जिसमें दो लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर। आपको बता दें तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और नई बस्ती के दादरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो देखा जाए पानी के विवाद को लेकर एक इतना बड़ा विवाद बन गया कि तीन लोगों में गोली मार दी। सतीश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, बात की जाए ग्रेटर नोएडा की, तो मामूली पानी के विवाद को लेकर इतना बड़ा विवाद बढ़ गया। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये ग्रेटर नोएडा के दादरी का मामला है, जहां पर एक ही परिवार के लोग, एक नाली का विवाद था जिसमें छोटा सा कोई ज्यादा बड़ा विवाद नहीं था, नाली के पानी का जो था, पानी तो सड़कों पर उतर रहा था, इसी कारण से वहां पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन अगर बात करते हैं मर्डर की, तो इसमें कुछ पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है और पुलिस पूरे फोर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। DCP राजेश सिंह भी मौके पर पहुंच कर उसका जायजा कर रहे हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी इसमें अगर कोई पारिवारिक रंजिश भी सामने आती है तो उस पर प्रतिशत कार्रवाई करी जाएगी। सतीश, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि DCP राजेश सिंह ने मौके का जायजा कर रहे हैं वहां पर और अभी कोई आरोपी सामने आया नहीं है इसका, लेकिन हाँ फिलहाल जो घायल लोग हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है और दो अभी गंभीर रूप से घायल हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी जान में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अभी कोई पक्की वो नहीं हो पाई है पुष्टि। सतीश, इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई बस्ती के दादरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, ग्रेटर नोएडा से यह खबर आपको बता रहे हैं। पानी के विवाद को लेकर तीन लोगों में